आज मैं आपको वॉल हैंगिंग, फ्लावर वॉल हैंगिंग बताने जा रही हूँ न्यू डिजाइन में। ये देखिए, जिसके लिए मुझे 3 रिंग की जरूरत है, उसमें ये मेरी 2.5 इंच की रिंग है और ये मेरी 2-2 इंच की रिंग है। ठीक है, ये तो मेरी 2-2 इंच की रिंग है और ये मेरी 2.5 इंच की रिंग है। और ये मेरा वायर है, वायर मैंने एक वायर मेरे 5 मीटर का कट किया है, मैंने जो एक वायर है वो 5 मीटर का कट किया है। और ये मेरे 12 वायर हैं, ये देखिए, ये मेरे 12 वायर लिए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 12 वायर हैं, ये मेरे 5 मीटर का एक वायर है। और मैंने वायर को बराबर करके और मैंने इस तरीके से कर लिया इसको बराबर, ये देखिए दोनों तरफ से मैंने बराबर करके इसको मैंने 20 सेंटर से पकड़ा हुआ है, ये दोनों को ऐसे बराबर करके और 20 सेंटर से मैंने पकड़ा हुआ है इसको। और ये मेरे थोड़े वेल्स हैं और बीट्स हैं, ये आप कोई भी कलर ले सकते हो, मेरे कलरफुल हैं, आप कोई भी कलर इसमें लगा सकते हो। अभी देखिए मुझे 20 सेंटर में से, आज मैं आपको न्यू डिजाइन में बता रही हूँ, ये मुझे 20 सेंटर में से इसमें गांठ लगानी है। ये देखिए एक धागा लिया है मैंने, ये देखिए आधे मीटर का मेरा ये धागा है, देखिए आधे मीटर का धागा लिया है मैंने, ये वायर है जो मेरा, और इसको हम इस तरीके से पकड़ करेंगे। ये देखिए 20 सेंटर में है ये, और इस तरीके से हम इसमें नॉट्स लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये जो मेरा 5 मीटर का धागा है, मैंने ये बराबर करके पकड़ के और मैंने ये 20 सेंटर में से लगाना पड़ता है, इसमें ऊपर रिंग की जरूरत नहीं है, इसमें रिंग की जरूरत तो पड़ती है लेकिन ऊपर नहीं पड़ती है, जो हम इसको सेट करते हैं टंगाते हैं तो उसमें हमें रिंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। ये देखिए हमें ये ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है ताकि हम इसे फ्लावर हैंगिंग को अच्छे से टंगा सके, इतना ही मुझे रिंग के बराबर नहीं करना है, थोड़ा छोटा ही करना है। और जो मेरा एक्स्ट्रा है इसे मैं लाइटर के साथ चिपका दूंगी, वो मैंने आपको बता रखा है कि हमें इसे किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से हमें इसे सेट करें, ये देखिए ऐसे, और मैंने इतना बना लिया है ये इधर से, और अब मैं इसे ये देखिए मैंने एक धागा लिया है, फिर से आध मीटर का मेरा ये धागा है 20 इंच का, और ये देखिए इधर से मैं इसे ऐसे करूंगी, ये देखिए बराबर बराबर करना है मुझे ये इधर से सफाई के साथ। ये देखिए इस तरीके से बराबर बराबर मुझे धागे को इसके ऊपर ऐसे बांधना है, इसको अटैच करना है बांध के, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आएगा मेरा ये डिजाइन कुछ। आप इसे कितना भी लॉन्ग करना चाहें इतना कर सकते हो, अच्छा लगता है ये देखिए बिल्कुल बराबर बराबर। अब मैं इसे कट करके इसे चिपका दूंगी। अभी देखिए मैंने इसको लपेट लिया है और अटैच भी कर दिया है, अब मैं इसमें रिंग अटैच करूंगी। ये देखिए इस तरीके से मुझे एक एक धागा लेना है इधर से ऐसे अंदर की तरफ से, और मैं इसमें रिंग अटैच करूंगी अपनी। ये देखिए बराबर बराबर मुझे ये धागा लूज रखना है, जैसे कि ये देखिए इधर से इस तरीके से, और इसको फिर से निकालेंगे एक बार हम। देखिए ऊपर का डिजाइन चेंज बता रही हूँ आज मैं आपको, और नीचे की टोकरी का जिसमें अपने हम फ्लावर सेट करते हैं, ये देखिए ऐसे एक एक धागा लेते हुए चलना है और ऐसे लूज लूज।
ये देखिए इस तरीके से बराबर बराबर ये सारे मुझे बराबर ही लेके आने हैं, जितने भी मेरे ये वायर हैं सब, कोई ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है, ज़्यादा टाइट नहीं, सारे हमको ये ऐसे ही सब के सब ऐसे ही बराबर बराबर लेके आने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इस धागे को इधर से निकालना है, ये धागा हम इस तरीके से निकालेंगे इधर से, ये देखिए इस तरीके से फिर से हम एक बार और निकालेंगे इसे। आप चाहें तो रिंग पे धागा लगा सकते हो, नहीं तो इससे भी अच्छे से ये सेट हो जाता है। ये देखिए फिर से मैं एक धागा लूंगी ऐसे ही अंदर की तरफ से, और इसे मैं इस तरीके से निकाल दूंगी इसमें, और फिर से एक बार निकालूंगी। अब ऐसे ही मैं इसे पूरी को करके तैयार कर लूंगी, इस तरीके से डिजाइन आएगा मेरा ये। ये देखिए इस तरीके से मेरा ये डिजाइन आएगा कुछ बनके, और इसे हम मैं बना के तैयार कर लूंगी। इसी तरीके से मुझे ये करने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए फ्रेंड, ये मैंने अपना एक एक करके रिंग में अटैच कर लिया है। ये जो मैंने रिंग ली है इधर, ये मेरी 2 इंच की रिंग है, ठीक है। जो मैंने इधर रिंग ली है 2 इंच की रिंग, ऊपर तो मेरी रिंग कोई डली नहीं है। उधर से मैंने आपको बताया कि मैंने अलग से वायर डाल के तब मैंने उसमें नॉट्स लगाए। अभी देखिए मैं इधर से भी इसे इतना ही लूज रखूंगी, ये मेरा अलग से डिजाइन बता रही हूँ आज मैं आपको। देखिए इधर से मैं इसे इतना लूज रख के इतना, और तब मैं इसको ऐसे वायर को लपेटूंगी इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैं वायर को लपेटूंगी इससे, ये देखिए ऐसे, जैसे कि मैंने ऊपर वायर लपेटा था ऐसे ही मुझे इधर भी सफाई के साथ, ये तभी मेरा डिजाइन सुंदर लगेगा बनने के बाद। बहुत सफाई से हमें ये डिजाइन बनाना है आराम से। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया है इधर से भी, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मेरा ये डिजाइन आया है ऊपर से, ठीक है। आज मैंने आपको बिल्कुल न्यू डिजाइन बता रही हूँ ऊपर से मैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये बनने के बाद। और इधर से अब मैं इधर मैं वो डिजाइन दूंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं इधर किस तरीके से डिजाइन दूंगी। इसी प्रकार से मेरा ये बन के आया है डिजाइन। तो देखिए अब मैं इसको लाइटर के साथ जला के इसे इसमें अटैच कर दूंगी, और फिर मैं आपको आगे का डिजाइन बताऊंगी कि वो मैं किस तरीके से बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, मैंने इधर से ये इस तरीके से मेरा डिजाइन आएगा बन के। ये देखिए मैंने 3 मोती डाल लिए हैं, और इधर से मैंने 3 बना लिए हैं, और मैं आपको बना के बताऊंगी कि ये मैंने किस तरीके से बनाए हैं। ये देखिए ऐसे मोती डाल के, ये जो मैंने बीज डाला है ये देखिए इस तरीके से, और इसमें हम पहले हम दोनों तरफ को लगाएंगे नॉट्स। ये देखिए मैंने दोनों तरफ नॉट्स लगा दिया है इधर, और अब मैं एक तरफ ही लगाऊंगी इसमें हाफ नॉट, ठीक है। मुझे इसमें हाफ नॉट लगाना है एक ही तरफ, दोनों तरफ नहीं लगाना है क्योंकि मैं इसमें बल वाला डिजाइन देने जा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, उसी तरीके से मैंने ये भी बनाए हैं अपने 3। देखिए ऐसे ही मुझे ये बनाते हुए चलने हैं, बनाने के बाद ये मेरी जैसे 12 वायर थे तो मेरे ये 6 बन के आएंगे। 6 बनने के बाद मैं इसमें रिंग डालूंगी, रिंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जैसे कि मैं इसमें 5 इंच के बराबर रिंग डालूंगी, आप बड़ा भी बनाना चाहो जैसे नीचे की पॉट को फ्लावर पॉट रखने के लिए फ्लावर हो, आप बड़ा भी बना सकते हो इसमें, तो छोटी रिंग दोनों बराबर ले सकते हो 2.5 इंच, तो वो भी लगा सकते हो। मेरा ये डिजाइन आया है, आप इस
इसमें दोनों तरफ नॉट्स लगाना चाहे तो वो भी डिजाइन दे सकते हो आप इसमें, लेकिन ये डिजाइन बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। देखिए मैं आपको ऊपर के डिजाइन मैंने बिल्कुल चेंज करके दिखाया आज आपको किस तरीके से हम इसका अलग से रिंग डाल सकते हैं, बीच में अटैच करते हैं रिंग गोल। ये देखिए इस तरीके से ही मुझे ये बनाते हुए चलना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आपके लिए न्यू वीडियो अपलोड करती रहूंगी। देखिए इस तरीके से मेरा डिजाइन आएगा कुछ बन के। देखिए मैंने इधर तक बना लिया है, मैंने इसमें नीचे की तरफ जैसे मैंने इधर मोती डाल रखा है ऐसे ही मैंने इधर भी मोती डाला है। ये देखिए तीन मैंने इधर डाल रखे हैं, ये देखिए मेरा है फोरवा मोती है, फोर मोती मैंने डाल चुकी हूँ इसमें, मुझे ये दो और बनाने हैं। तो जैसे मैंने ऊपर से बनाया था ये ऐसे ही मुझे इधर से भी बनाना है इसको। ये देखिए इधर से जैसे मैंने इसको इधर से बनाया था ऐसे ही मैं इधर से भी बनाऊंगी, और जैसे जैसे मैंने ये बनाया है ऐसे ही मैंने वो तीन भी बनाए हैं, और जो मुझे दो बनाने हैं वो भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी सेम जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मोती डालना है फर्स्ट में इसमें, और तब मुझे इसमें हाफ नॉट्स लगाने हैं ताकि मेरा बल वाला डिजाइन आ सके। अगर हम दोनों तरफ नॉट्स लगाएंगे तो वो डिजाइन नहीं आएगा, ये जो मेरा बल वाला डिजाइन है वो नहीं आएगा। देखिए ऐसे ही मुझे बनाते हुए चलना है इसमें। देखिए मैंने ये सारे सेम सेम बना लिए हैं, इधर से इधर मोती डाला है मैंने और ऊपर की तरफ मोती डाला है मैंने इधर भी, और ये डिजाइन मैंने इस डिजाइन को मैंने आपको खासकर बताया, ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। ये वाला डिजाइन बताया जो मैंने आज आपको ऊपर से और इधर तक, ये डिजाइन मेरा वही है जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। अब ये दो भी मैं बना के तैयार कर लूंगी, फिर मैं आपको आगे की टोपी बताऊंगी कि वो मैं किस तरीके से बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड ये मैंने अपना बना के तैयार कर लिया है, अब मैं इसमें रिंग अटैच करूंगी। ये देखिए रिंग हम इस तरीके से अटैच करते हैं, इसमें ये दो वायर हम पीछे की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसमें टाइट नॉट्स लगाएंगे। देखिए इधर भी देखिए इस तरीके से, ऐसे ही मुझे ये बनानी है जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है पहले वीडियो में भी कि हम ये किस तरीके से बनाते हैं। जो नीचे का पॉट होता है वो हम फ्लावर रखने के लिए बनाते हैं, तो वो हम किस तरीके से बनाते हैं ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। अभी जो हमारी एक्स्ट्रा खाली जगह है इसमें हम वायर डालेंगे, वायर हम एक एक मीटर के वायर डाल लें हमें इसमें। देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको, देखिए इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ही मुझे ये रिंग दिए। मेरे 12 वायर थे, 12 वायर थे तो मेरे ये 6 बने हैं। ये जो मेरे इस तरीके से मैंने ये डोरियां बनाई हैं ये मेरी 6 बनी है। देखिए दो वायर में पीछे की तरफ डालूंगी इसमें और दो वायर में आगे की तरफ डालूंगी इसमें। ये जो हम
पॉट बनाते हैं, ये जो हमारे छोटे बड़े हैं ये पॉट बनाते टाइम सारे सेम हो जाते हैं ऊपर से नीचे तक, ये अच्छा बन के आता है ये उस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये तो मैंने डाल दिया है, ठीक है ये तो मेरे डल चुके हैं। अब मुझे इधर भी वायर डालने हैं, जो मैं अपने इधर वायर डालूंगी, मुझे तीन तीन वायर डालने हैं, तीन वायर इधर, तीन इधर, तीन इधर, पूरे में जहां जहां मेरी खाली जगह है उधर मैं तीन तीन वायर डालूंगी। और ये टोकरी जैसे मैंने इधर से ये नॉट्स लगाए हैं, इधर भी मैं पूरे में नॉट्स लगाऊंगी और अपने बीच डाल के, एक लाइन मुझे बीच डालनी है और एक लाइन मुझे नॉट्स लगानी है, फिर मुझे दो लाइन मुझे नॉट्स लगाने और एक लाइन में मुझे बीट लगानी। इसी प्रकार से मेरी ये पॉट बन के आएगी। और नीचे से, नीचे में ये तो मेरी 5 इंच की रिंग लगा रही मैं बड़ी वाली, और इधर मैं 2.5 इंच की रिंग लगाऊंगी, ठीक है उसी प्रकार से मेरी ये बन के आएगी। और जो एक्स्ट्रा वायर है इधर से वो मैं, आप जितना रखना चाहे इतना रख सकते हो और बाकी का एक्स्ट्रा इसमें कट कर सकते हो। और फिर इसमें मैं बीट डालूंगी, वेल्स नहीं डालूंगी, इसमें मैं बीट डालूंगी, जैसे कि मैंने इधर डाले हैं ऐसे ही मैं इधर भी डालूंगी और इसे मैं बना के तैयार कर लूंगी। आज मैंने आपको सबसे नया डिजाइन बताया ये, ठीक है अब मैं इसे बना के तैयार कर लूंगी। फ्रेंड ये मैंने अपना बना लिया, ये देखिए इधर से मैंने ये डिजाइन दिया है और इधर से मैंने आपको बताया था और मैंने आपको ये डिजाइन बताया कि हम किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। और इधर से मैंने सेम ऐसे ही बनाया जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, और इधर भी मैंने 3 वीट डाले हैं। आप मैंने इसमें देखिए, मैंने हमें स्टिक के विड्स होते हैं ये स्टिक वाले डाले हैं, आप इसमें वो भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ये, मैंने ये डाल रखे हैं ऐसे भी आप डाल सकते हो इसमें। और ये देखिए मैंने ये इसकी, मैंने इसमें एक फ्लावर भी अटैच कर दिया है। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे एक लाइन में नॉट्स लगाने और एक लाइन में मुझे बीज डालने हैं, फिर मुझे दो बार नॉट्स लगाने और एक लाइन में मुझे बीज डालने, ये मैंने अपनी डाले इधर से, ये देखिए मेरे स्टिक वाले बीज है और इधर भी मैंने दो नॉट्स लगाए और एक लाइन में मैंने बीट। इसी प्रकार से मेरी ये फ्लावर टोकरी बन के आई है, देखिए कितनी सुंदर है। ये मेरी 5 इंच की रिंग डाली है मैंने इधर, और इधर मैंने 2.5 इंच की रिंग डाली है, ठीक है इधर से 5 और इधर से 2.5। और इधर से ये देखिए, इधर से मैंने इसमें वेल्स नहीं डाले हैं, मैंने इसमें भी बीट डाले हैं, ये देखिए इधर से भी मैंने ये इस कलर के बीट डाले, इधर से मैंने थोड़ा छोटा कट किया था और इधर से मैंने बड़ा। और इसी प्रकार से आपके सामने मेरा ये बन के आया है, ये देखिए मैंने इसमें येलो कलर के फ्लावर भी रख दिए हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें मेन चीज ये है कि जैसे मैंने आपको अलग से आज ये बताई है पॉट, इसमें मैंने जैसे 5 इंच की इधर रिंग डाली है और 2.5 इंच की मैंने इधर रिंग डाली है, इसी तरीके से ये मैंने अलग से बताया, इसमें कुछ नहीं है, नॉट तो मेरे वही है जैसे मैंने आपको गांठ बता रखी है किस तरीके से लगाती है, लेकिन मैंने इसमें मोती डाला है, मोती डालना मैंने आपको बता रखा है, दो वायर में मोती डाल के तब हमें नॉट्स लगाते हैं इधर से, ये देखिए जैसे मैंने इसमें लगाया है और इधर से भी मैंने आपको बताया है। और धागा इसमें मैंने 5 मीटर का एक धागा कट किया था एक वायर, और ये देखिए इधर से मैं इस, ये डिजाइन है सबसे मेन होता है मेरा ये डिजाइन जो मैंने आपको सबसे अलग बताया है आज ये डिजाइन, ठीक है मैंने इसमें हम डालते हैं। और मैं तो मैंने ऊपर की तरफ रिंग डाल रखी है लेकिन इधर मैंने रिंग नहीं डाली है, इधर मैंने बीच में रिंग डाल के आपको डिजाइन बताई, देखिए इस तरीके से आज मैंने आपको ये वाली डिजाइन से बनाना बताया है, ये देखिए इसी प्रकार से मेरा ये बन के आया है आपके सामने। अगर आपको वीडियो समझने में फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।